करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ किस रोल में आप रखेंगे अनुराग? मैं नहीं लूंगा अनुराग को। क्यों? नहीं नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ, मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते, मैं पागल हूँ। हाँ, मैं एक दूसरे को मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो। अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ हसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में, वो अब्रॉड अब्रॉड में फिल्में नहीं सूट करती अनुराग को, सॉरी। मिस्टर विजय, एक खबर आई थी कि फिल्म ओवर बजट हो गई थी, तो जरा इस पे लाइट डालेंगे, सच में हो गई थी, क्या था क्या नहीं था? देखिए, आई थिंक एज इसके पहले आई जस्ट वांट टू से अनदर थिंग। आई थिंक हम सब जानते हैं कि यू नो द फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ नॉट बिट विजय प्लीज से वी आर गोइंग थ्रू अ बिग क्राइसिस गोइंग थ्रू अ बिग क्राइसिस बट देयर आर ओनली थ्री थिंग्स दैट आई बिलीव वी as film makers can should really be looking at. Number one, it starts with a fantastic script, and I think that is something that you know Anurag brought. This was his entire hard work in getting the right script. The second is star power, and I don't believe you can get better than this. And I think I can tell you that Karan after this film is going to have a choice of being nominated as either the best villain or the best introductory act or debut, etc. So there are many, many options awaiting him at the end of this film. And finally, I think on a more serious note, we're seeing that audiences want something with a point of difference. And I promise you this film, Bombay Velvet, is not only got a point of difference, it is an entertaining mass appeal film. But I think we're going to need the support of the media to actually take this message deeper down. And aapka jo sawal tha, जैसे अनुराग हैज सेड दैट यू नो व्हाटएवर पीपल हैव रिटन अबाउट दे फिनिश द फिल्म इन 75 डेज द फिल्म हैज बीन वी नेवर गिव नंबर्स बट आई एम गोइंग टू गिव नंबर्स बिकॉज यू नो आई थिंक द टाइम हैज कम टू ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस एंड फोकस ऑन द राइट थिंग व्हिच इज द क्वालिटी ऑफ द फिल्म हैज कॉस्ट अस 80 क्रोर्स एंड आई कैन टेल यू व्हाट यू आर गोइंग टू सी ऑन द कैनवस is a film which is worth a lot more so I think that's the point to focus on okay now we have KK Menon who plays Vishwas Kulkarni and Satyadeep Mishra is also here who plays Chiman. Satyadeep, Anushka, yeah, Anushka aap is film mein jazz singer bani hai, jazz singer banne ke liye kya kya reference point aapke rahe? अनुराग ने मुझे काफ़ी कुछ स्पेसिफिकली देखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन कुछ मुझे अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग फिल्में या यू नो रेफरेंस पॉइंट्स दिए थे। ही टोल्ड मी दैट माय सिंगर इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ गीता दत्त एंड एक रेफरेंस है फिल्म में जहाँ मेरी जहाँ कोई बोलता है मेरे कैरेक्टर को कि मैं गीता दत्त की कॉपी करने की कोशिश करती हूँ एज अ सिंगर। बट हैविंग सेड दैट व्हेन वी स्टार्टेड बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म मैंने एशली लोबो जो हमारी फिल्म के कोरियोग्राफर हैं उनके साथ मैंने बहुत ही एक लंबी ट्रेनिंग करी है टू बी एबल टू लुक लाइक अ कन्विंसिंग सिंगर बिकॉज एक हम लोगों को एज एन एक्टर आदत हो जाती है टू यू नो माइम लाइक व्हेन वी आर सिंगिंग हम थोड़ा वो वाली सिंगिंग अलग होती है व्हेन यू एक्चुअली सिंग व्हिच यू ऑल्सो सॉ विद रणबीर एंड रॉकस्टार ही लुक लाइक ही वॉज एक्चुअली सिंगिंग दैट वॉज मोहित चौहान की आवाज़ और इनकी आवाज़ मतलब लग रहा था एक ही इंसान है सो दैट प्रेपरेशन आई डिड बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म सो दैट्स जस्ट हाउ इट डेवलप्ड एंड आफ्टर दैट लाइक आई सेड अर्लियर विद अनुराग ही इज़ वेरी क्लियर ऑन वन थिंग ही सेज दैट यू नो यू कैन गेट रेफरेंस पॉइंट्स फ्रॉम एवरीवेयर बट अल्टीमेटली यू वॉट यू फाइंड इज इन द स्क्रिप्ट एंड यू नो विद द हेल्प ऑफ योर कैरेक्टर्स एंड योर सराउंडिंग विच इज व्हाट आई थिंक ऑल ऑफ अस एज एक्टर्स ट्राई टू डेवलप विद द फिल्म क्या दिल धड़कने दो में भी आप जैज सिंगर बनी है नहीं I'm a dancer in the film. और आप सबसे सवाल है क्या बॉलीवुड में जैज म्यूजिक को आप कैसे देखते हैं आप सबसे सवाल है सुनते हैं हाँ पहले सुनते हैं देखते बाद में मतलब जैज का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा जैज की जो हिस्ट्री रही है यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं उस बात से क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सारे अरेंजर्स रहे हैं चाहे वो शंकर जयकिशन के लिए थे चाहे वो चिक चॉकलेट रहे हो एंथनी गोंसाल्वेज रहे हो सारे लोग जो हैं वो जैज म्यूजिक से आए थे यहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मोहम्मद रफ़ी एक बहुत बड़े जैज सिंगर थे वो कोंकणी में जैज गाते थे और उस समय ला बेला और एस्टोरिया और ऐसे बहुत सारे क्लब होते थे 60s में जहाँ जैज होता था ज़्यादातर कोंकणी में होता था सारे टैलेंट जो है गोवा से होते थे
और फिल्म में हम लोग ने वो एक्चुअल रेफरेंसेस यूज किए हैं, और उस समय बहुत बड़ी सिंगर थी लॉर्ना कॉर्डेरो, जिनसे बहुत सारा कुछ इंस्पायर्ड है इस फिल्म में। उनके आप अगर आप म्यूजिक वीडियोस देखेंगे वो यूट्यूब पे आज भी मिल जाएंगे आपको, चाहे बेबडो हो, चाहे बहुत सारे गाने, वो आज भी जीवित हैं, आज भी गोवा में गाती हैं, आज भी वो 80s में अपने, और उनके शोज आज भी हाउसफुल होते हैं। तो ये फिल्म कहीं हवा में से नहीं आई है, बहुत सारे रेफरेंसेज, और क्योंकि फिल्म आ रही है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने वो आर्टिकल्स भी लिखने चालू किए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेज और रिस्पॉन्स मेरे उन लोगों से आया जो 60s में थे यहाँ पे, जो बहुत खुश थे ट्रेलर देख के। तो वो समय जो है बहुत सारे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। और वो जैज नहीं होता तो एक बहुत सारा अरेंजमेंट 60s और 70s का जो था वो वैसा नहीं होता। आप जितना आपने आरडी का म्यूजिक सुना है, आरडी बर्मन का म्यूजिक, उसमें बहुत सारा जैज का इन्फ्लुएंस था। वो जैज को हम धीरे धीरे भूल चुके हैं, हम बहुत म्यूजिक जो है बहुत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। लाइव म्यूजिशियंस आजकल रिकॉर्ड नहीं करते। इस फिल्म के लिए हम लोग ने फाइनली जाके प्राग में लाइव म्यूजिशियंस ढूंढे, और प्राग में जाके सारा म्यूजिक लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है। इस फिल्म में जो भी म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है सब लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है, और उस तरह का जो जैज है वो है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप जाएंगे आपको HMV की लाइब्रेरी में मिलेगा। अभी हाल में बहुत ही बेहतरीन कोंकणी फिल्म भी आई थी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ना कॉर्डेरो, जो कि जैज के ऊपर थी। प्लीज कीप क्वाइट अनुराग। मैं बता रहा हूँ जैज को। रणबीर, आई एम बेगिंग यू। रणबीर, मेरी ये दरख्वास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करे। रणबीर, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। रणबीर एंड अनुष्का, यू हैव हैड द फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स दिस टाइम ऑन। How was it working with Anurag Kashyap and working with Karan Johar as a co-actor? How was it? I think Anurag is also one of the best directors we worked with. And it was a wonderful experience. I think we all known ki film mein hum sab ne dekhi hai, bahut pasand bhi kari hai. Ye unka ek bahut hi, jise bolte hain, bahut dear project hai, bahut saalon se wo banana cha rahe hain. I think for me, I can say that for Ranveer also. And we are very happy that we could be part of this vision of his. Aur Karan ke saath bhi bahut maza aaya. Kam din shooting kari hai maine to, at least Karan ke saath. To main Karan ko puri tarah se experience nahi kar paya yahan pe. He is very entertaining, obviously. It was great fun. Ranveer, aap kya bolna chahenge? Mera yahi manna hai ki I'm always as good as the director. Agar director acha hai, then I will be good. So I've always been selfish ki main acche directors ke saath kaam karu. अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज एक्चुअली लाइक अ टेडी बेयर ऑन सेट। मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहाँ अगर करण, मैं, हीरो हीरोइन यहाँ लेटे हुए हैं, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर छींकता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था। मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ डिमांडेड फॉलोइंग। आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क that he inspires everyone to do, that's why he has that much of love, and I think we all have that much of love for him. Karan, of course, has been my personal mentor. You know, I've done my third film in his production, and he's always been great to me, and in this film he had to play my mentor. So pehle do din to mujhe hansi aati thi jab Karan koi bada dialogue sa bolta tha, you know, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. Mujhe yaad hai ek scene tha jahan mujhe Karan ko gaadi ke sheeshe pe dabana tha, to Karan bahut charge ho gaya. And he said, "Tu mujhe daba, like, go for it. You know, I don't care." No, not in that way. What type of daba? Ne? तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा। But he became such a method actor के he just said, "नहीं नहीं, you go for it. तू दबाते जा." Eventually, जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting. But he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया, ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं। वो शॉर्ट ट्रेलर में भी है। रणबीर जी, आपकी दाहिनी ओर, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स काफी हो रहे हैं, लेकिन आपकी जनरेशन के जितने एक्टर्स हैं काफी सेट पैटर्न पर चल रहे हैं, और इस तरह का जोखिम लेने के पीछे क्या वजह थी? जैसे अनुराग ने कहा कि स्क्रिप्ट आपने प्लेन में पढ़ा और हाँ की। एक्चुअली उस दौरान मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, तो विकास जो मेरे अजीज़ दोस्त हैं उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। उस वक्त आई थिंक अनुराग ये फिल्म किसी और के साथ बना रहे थे, तो आई रेड इट ऑन द प्लेन एंड मैंने खुद अनुराग को फ़ोन किया और कहा कि यू नो आई लव दिस स्क्रिप्ट, आई लव दिस कैरेक्टर, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस फिल्म। तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत मतलब अर्बन टाइप एक्टर है, आई डोंट नो इफ यू विल फिट इन टू दिस पार्ट, सो गिव मी 2-3 डेज, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू।
आई हैड टू वेट एंड दो तीन बार फोन नहीं किया इसने, एक हफ्ते बाद फोन किया एंड सेड कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम बट आई हैड टू गेट एडजस्टेड टू द फैक्ट कि आई कैन सी यू इन दिस फिल्म. सो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं आपको, यू नो यूजुअली यू वांट टू वर्क विद अ डायरेक्टर, यू वांट टू वर्क विद अ बैनर, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई जस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली ऑन जस्ट द प्योर बेसिस ऑफ अ स्क्रिप्ट और जो कहानी थी और जो किरदार था सबका, आई थिंक दैट ऑन द मेरिट ऑफ दैट आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म.